हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं पूना, तो चलो जल्दी से निकलते हैं पूना के लिए। और हाँ गाइस, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो ज़रूर प्रेस करना। तो चलो अभी निकलते हैं पूना के लिए। शनिवार वाड़ा में, और ये शनिवार वाड़ा का गार्डन प्लेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे फाउंटेंस हुआ करते थे पहले के ज़माने में। ये ऐसी जगह है जब 17th सेंचुरी में पेशवा बाजीराव के लिए ये जगह बांधी गई थी। वो टाइम पे ये सब जगह पे फाउंटेंस हुआ करते थे। फिर उसके बाद जब उनका निधन हुआ और ये जगह अंग्रेज़ों ने ये जगह पे कब्जा कर लिया, तो पूरा तोड़फोड़ कर दिया था ये जगह का। पर फिर भी अभी हम लोगों को देखने लायक बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे। मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा, महाराष्ट्र देशा, मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा। तो गाइस, अभी हमने देखा शनिवार वाड़ा, और अभी जाते हैं पातालेश्वर मंदिर देखने। तो चलो लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम है पातालेश्वर के उसके यहाँ पे, ये है जंगली महाराज रोड पे। प्रणाम ग्यावा माझा श्री महाराष्ट्र देशो, प्रणाम ग्यावा माझा श्री महाराष्ट्र देशो, मंगल देशो, पवित्र देशो, महाराष्ट्र देशो। सो गाइस, अभी हम है पातालेश्वर केव्स, और ये शिव जी का मंदिर है। इसकी खास बात ये है कि ये मंदिर 1000 साल पुराना है, और एक इसकी खास बात ये है कि इसको पहाड़ को बीच में से कट करके इसको बनाया गया है। आपको पातालेश्वर केव्स आना है तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक आप कभी भी विजिट कर सकते हो। तो गाइस, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं पेशवे म्यूजियम। थक चुके हैं बहुत। राकट देशा, कड़खर देशा, राकट देशा, कड़खर देशा, दगड़ांचा देशा, दगड़ांचा देशा, दगड़ांचा देशा, दगड़ांचा देशा, नाजुक देशा, कोमल देशा, फुलांचा ही देशा, मंजन कांचन करवंतीचा काटेरी देशा, बकुल फुलांचा प्राजक्तीचा दड़दारी देशा। गाइस, ये इतनी बड़ी जगह है कि मेरा कैमरा छोटा पड़ रहा है इसके लिए, तो आप समझ सकते हो अभी कि कितना बड़ा शहर है ये, और कितना खूबसूरत और प्यारा शहर है। तो गाइस, ये है सारस बाग, पुणे की बाग सारस बाग। मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा, महाराष्ट्र देशा, मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा, महाराष्ट्र देशा। व्यू, एक फोटो काढ़ ना पापा। ओ, दिस पिल्लू पण आहे। सो गाइस, आप देख सकते हो ये शाम के टाइम बहुत क्राउडेड रहता है, तो आप यहाँ पे फैमिली के साथ चिल करने आ सकते हो। छोटे बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर पाएंगे। सो गाइस, ये है ओशो तीर्थ पार्क। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाटरफॉल जैसा बनाया है, बहुत ही देखने के लिए खूबसूरत लगता है ये।
आप यहाँ पे खड़े रह के सेल्फी निकाल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे पंछी भी है, इनका आपको आवाज़ सुनाई देता होगा, आप सुन सकते हो। तो यहाँ पे है ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्रीज है और वो देखने के लिए बहुत सुंदर लगते हैं। गाइस हम लोग को रोकने वाले आने वाले सामने आप खुद देख सकते हो। सो गाइस अभी हमने देखा ओशो तीर्थ पार्क। ओशो तीर्थ पार्क पहले एक बंजर जमीन हुआ करती थी, अभी आप देख सकते हो कितना डेवलप किया है, कितनी हरियाली यहाँ पे है। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लाइन है। ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलो बाय बाय, अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।